तू चांद और मैं तारा। आज हम अपनी बेटी डॉक्टर नयनतारा और सारिम गुलजार की ऑफिशियली एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सारिम, लेकिन अपने काम से ना इश्क है मुझे, और इश्क बाज दफा मोहब्बत पर गालिब आ जाता है। इसलिए तुम अभी भी चाहो तो अपने लिए कुछ और सोच सकते हो। जहेज ना देने का फैसला मेरा नहीं, तारा का है। नहीं नहीं, सिर्फ तारा का फैसला नहीं है, ये हम दोनों का मुश्तरका फैसला है। मैं बहुत सादगी से करना चाहती हूँ अपनी बेटी की शादी। जी मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ मम्मा। और तुम्हें याद है ना किस शर्त पर मैं तुम्हारी और तारा की शादी के लिए राजी हुई हूँ? मुझे अच्छे से याद है अपना वादा। तो मुझे पासपोर्ट मेल करो ताकि मैं वीजे के लिए अप्लाई करूँ, तब तक तुम तारा को कन्विंस कर लेना। जी हाँ, और वो फौरन कन्विंस हो जाएगी, और उसके बाद सब हंसी खुशी मिलकर रहेंगे, ऐसा मूवीज में होता है, बेगम साहिबा और फ्यूचर दामाद जी। तुम कहां से टपक पड़े? अरे मेरी टपकन को छोड़ो, और अपनी ये जो खुशफहमी है ना इसका गोला लपेटो। और मियां तुम अंदर जाओ, बहुत परेशान हो रहे तुम्हारे घर वाले। अंकल वो ठीक है बेफिक्र रहो, मैं तारा को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या पट्टियां पढ़ा रही थी बच्चे को तुम? क्या हुआ, क्या कह रही थी मामा? वो कह रही थी कि मैं अपनी फैमिली को समझाऊं, माई और मेहंदी के लिए जिद ना करें, मामा उसके हक में नहीं है। वो तो हमारी शादी के भी हक में नहीं थी, पता नहीं उस पर कैसे मान गई। तुम छोड़ो ना इस बात को, तुम क्या वाकई सफू चची की पसंद का लहंगा पहनोगी? हाँ, क्योंकि मेरे लिए रिश्ते अहम है, ये चीजें नहीं। ऐसे एक बात है यार, तुम में एक अच्छी और मशहूर की बहू वाली सारी खूबियां हैं। ये सब मेरे सिग्नेचर स्टाइल्स हैं। अच्छा, और कौन कौन से स्टाइल्स हैं? जरा वो भी दिखाओ। क्या क्या कर चची? चची से डरा रही है हमें। नाजिया क्या हो गया तुम्हें, ये क्या गेम खेल रही हो तुम इन बच्चों के साथ? मैं अपनी बेटी के पीस ऑफ माइंड के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। बाय द वे, ये जो पीस ऑफ माइंड होता है ना, ये दिल की खुशी के साथ वाबस्ता होता है। अरे तुम क्या समझोगी इन बातों को, तुमने ना तो अपनी खुशी का ख्याल रखा ना किसी और का। तो मुझे छोड़ो, ये बताओ कि खुद को सुलगाना कब से शुरू कर दिया? अरे अब तो जलकर राख हो चुके हैं, ये अलग बात है कि तुम्हें दिखाई नहीं देते। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, सॉरी। ये जो सांप और सीढ़ी का खेल खेल रही हो तुम और तुम्हारा दामाद, याद रखना तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं अपनी बेटी को, उसकी रगों में उसके बाप का खून है। और मैं चैलेंज करके कहता हूं तुम और तुम्हारा दामाद बुरी तरह हारोगे इस खेल में। अच्छा तो तुम मीर जाफर का किरदार अदा करोगे? हरगिज नहीं, मैंने ऐसी गंदी पॉलिटिक्स कभी नहीं की। मैं चाहता हूं तुम जमकर खेलो और फिर अपनी औलाद के सामने अपनी हार का तमाशा देखो। राजिया ने कभी हारना नहीं सीखा। हाँ हारना नहीं सीखा, सिर्फ नजरें चुराना सीखा है। कभी गौर से अपने आप को आईने में देखना, अपनी जिद और अना के सास का टूटा हुआ तार बन चुकी हो। ये क्या बात हुई, मेहंदी भी नहीं होगी, लाइटें भी नहीं लगेगी, ढोलक भी नहीं बजेगी, और बैंड बाजा भी नहीं होगा, तो निकाह ही क्यों होगा? शुक्र करो भाई, हमारी शादी धूम धड़कने के साथ निकल गई। रहने दो, तुम्हारे घर वाले जो नकली नोटों की बारिश की थी ना, आज तक मेरे घर वाले ताने देते हैं मुझे उसके। अच्छा अपने पप्पा को भूल गई? ज्यादा बराती देखे कोरमे की देख में उन्होंने इतनी सारी लाल मिर्चें डाल दी थी, आधे से ज्यादा मेरा खानदान बाथरूम के बाहर लाइन लगा खड़ा था, वो भी बगैर टोकन के। पत्नी का कोई नया पैकेट पड़ा घर पे? हाँ हाँ होगा, मगर बाबू भैया की अलमारी ये कम से पहले मुझे तो देंगे नहीं, आप जाके मांग लें। और आपको इनकार नहीं करेंगे? क्यों? वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मुझे भी कल ही पता चला। किस बात का? यही कि मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मती इनके दिमाग में क्या चल रहा है? वो असल में हुआ ये कि हाशु की मेहंदी के दौरान जब लाइट गई थी ना, तो मैं तुम्हारा हाथ समझ के इनके हाथ में गजरे पहना दिया, और ये समझी कि बाबू भैया ने पहनाए।
अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरी नाजुक कलाइयों में, उनकी मजबूत कलाइयों में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आया? जानू अंधेरा था ना, उनको भी मेरे नाजुक हाथों में और बाबू भाई का हथौड़े जैसे हाथ में फर्क नजर नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। मगर ये जो बेसाख्ता मोहब्बत के चिराग जला के बैठ गई हैं, उन्हें कौन बुझाएगा? हाय, फूको से ये चिराग बुझाए। मामा डैडी, वहाँ डॉलर अपनी नाक में कॉल्ड्रन फंसा के डेड बॉडी बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। बेड़ा घर को मती, ये केबल कटवाओ, ये बच्चा जो भी चैनल पे देखता है ना वही करने की कोशिश करता है। समझ में नहीं आ रहा कि इतना फंकार बच्चा हमारे घर में कैसे पैदा हो गया। आपकी वजह से। हाँ, मेरी वजह से। चलो 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 बेटा, ऊपर चलो, भागो, चप्पल का है तुम्हारी। मामा ने इतने कम लोगों के गेस्ट लिस्ट बनाई है, कहती है बस इतने ही बहुत है। बेटा मामा को छोड़ो, तुम ये बताओ हॉस्पिटल से किसी को नहीं बुलाओगी? नहीं ना पापा, कहती है मजाक बनेगा। तो भाई क्यों मजाक बनेगा? उन्हें लगता है कि लोग कहेंगे कि अपनी इकलौती बेटी की शादी तुमने ये बैंड बाजा बारात के इंतजाम करने वालों के यहाँ कर दी है। ये बेटा कौन सी शादी है जो बगैर बैंड बाजे के हो सकती है? तुम एक काम करो, तुम सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करो, बस। कैसे करूँ पापा? कहती है तुम बहुत ही कम अकल हो, जो सारे के चच्ची के पसंद का लहंगा पहन रही हो, जिनको फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता, उनसे तुम अपना ब्राइडल जोड़ा सिलेक्ट करवा रही हो। आप खुद बताएं पापा, जब उन्होंने अपने बेटे की पसंद को खुले दिल से एक्सेप्ट किया है, तो क्या मैं उनकी पसंद का एक लहंगा नहीं पहन सकती? अरे भाई क्यों नहीं पहन सकती? बेटा जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो करो, क्योंकि तुम्हारी माँ तो कभी भी नहीं चाहेगी, ना ही वो तुम्हें सिखाएगी कि दूसरों की खुशी का ख्याल किस तरह रखा जाता है। पर आप तो खुश है ना पापा? अरे बेटा, मुझे दुनिया की हर वो चीज खुशी देती है जो मेरी बेटी को खुश रखे। पापा वो बैचलर्स पार्टी और ब्राइडल शावर रखेंगे घर पर? रहने दो बेटा, वो हॉस्पिटल वाली डॉक्टर नहीं माइंड कर जाएगी, खामा खाई फिर मूड खराब कर लेगी, धुएं निकलेंगे उसके। ठीक कह रहे हैं आप, छोड़ें, पता नहीं बहुत ही अजीब सी शादी हो रही है मेरी। फिकर मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। मेरी बेटी बिल्कुल परेशान मत हो, ओके? बिल्कुल फिकर नहीं करनी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी डॉक्टर राजिया, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बात होनी चाहिए मेरे ख्याल में, हक मेहर और वलीमे पर भी। जी हाँ चले, अच्छा ओके, खुदा हाफिज़। किधर जा रही है फौज? वो हाशिर का एक टिकटॉकर फ्रेंड है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वहां जा रहे हैं। उसकी टांग टूट गई बेचारे की, वो इसलिए हॉस्पिटल विजिट कर रहा है, उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे कि टांग टूटने के बाद उसको कैसा महसूस हो रहा है। हाँ ठीक है, चांद जरा जाते हुए मैरिज हॉल का चक्कर लगा लेना, वहाँ पे स्टेज और बाकी इंतजामात पे नजर डाल लेना, ठीक है? मैं चांद भाई तो मुझे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स छोड़ने जा रहे हैं, मेरा प्रैक्टिस मैच है ना, बताओ ना। मैं इसे ड्रॉप करने के बाद फिर चले जाऊंगा। चले चले, बहुत पेन में बेचारा यार। काला लग रहा है। उठाओ ना। हेलो, हाँ सनम बेटा, मैं जाफर बोल रहा हूँ। बेटा मेरी तबीयत खराब हो रही है, जल्दी से तारा को लेकर आओ।
और सुनो, राजी को ना बताना। हाँ शाबाश। यस। ओ भाई अभी तक तैयारी नहीं हुई आप लोगों की। हेलो जल्दी करें, वो लोग आ रहे हैं। निकाहनामे पे क्या बात करना चाह रहे हैं? अरे तो वहां जाकर ही पता चलेगा भैया। मुझे तो ये डॉक्टर राजिया बहुत टेढ़ी खीर दिखाई दे रही हैं। अरे नहीं बाबू भैया। अरे इकलौती बेटी है ना, इसलिए थोड़ा ओवर कॉन्शियस हो रही है। हाँ लेकिन मेरी छड़ी इस कुछ और ही कह रही है। पर देख लेते हैं वहां जाकर। तुम वहां जाकर भी ये उठक बैठकना शुरू कर देना, बहुत शर्मिंदगी होती है। अरे नहीं बाबू भैया, मैं कंट्रोल में रहूंगा, आप फिक्र ना करें, ये तो बस घर की बात है। आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। पापा पापा पापा, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता क्या, तुम्हारा पूरा ससुराल वहां जमा है तुम्हारे ब्राइडल शावर के लिए। हाँ। अरे छोड़ो मामा, वो तो हमेशा से कड़वी है, तुम्हारा बाप मना रहा है तुम्हारा ब्राइडल। और सुनो मैं नया जोड़ा लाया हूँ ब्राइडल शावर के लिए, तुम्हारे बेडरूम में जल्दी से चेंज करो। पापा यू आर द बेस्ट। जान जाओ जाओ। ओहो ये तो खत्म हो गया। चलूं तुझे जहां होता है प्यार, खिलते हैं गुल वहां जहां सदा है बहार। बादल बने फिजा में उड़े के मौसम ये गाए मल्हार, तू चांद और मैं तारा। Oh, my princess! Yay! Meri beti, come on, cut it. Sapne hum apne sang bolenge naya ek jahan. कोई तुझ सा नमूना मुझे मिलना नहीं है, मैंने छान के है देखा जग सारा, आसमां के नीचे
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये डॉक्टर साहिबा पहुंच गई हैं घर? नहीं, अभी तो तारा बाजी आई हैं और साहिब आए हैं। गाड़ी की पिछली सीट पर कुछ मिठाई रखी है, वो मंगवा ली। जी जी। बहू भैया बड़ा तेज तेज चल रहा है। बाबूजान वो तारा भाभी का ब्राइडल शावर है ना? शावर? लेकिन हमें तो कोई फवारा नहीं दिख रहा था। अरे नहीं सरकार, रहा है ये हमारे जमाने का शावर नहीं है, बच्चों के जमाने का शावर है। आप लोग तशरीफ रखें प्लीज। हम तो कह रहे थे कि माला को स्पोर्ट्स ग्राउंड छोड़ने जा रहे थे। मैं गया था, वो मुझे जाफर अंकल ने फोन करके बुला लिया। और तुम्हारे दोस्त की तो टांग टूट गई थी ना? तुम मुझे तो चांद भैया ने बुलाया, क्यों रूमी? हाँ डायरेक्टली हॉस्पिटल से आ रहे हैं। इससे पहले कि तुम्हारी टांग टूट जाए, माला और बेबी को घर लेकर जाओ, डॉक्टर राजिया पहुंचने वाली है। मामा आ रही है। चुपचाप आराम से यहाँ बैठो, मामा ने हमें बुलाया है यहाँ पर अखमेर की बात करने के लिए। लेट्स मूव बेबी। हाँ चले, अल्लाह हाफिज़ सबको। बेबी का बच्चा मोबाइल भूल गई थी। बड़े अफसोस की बात है जाफर साहब, आप किन चक्रों में पड़ गए? अरे सरकार, असल में बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना पड़ता है ना। अब देखिए, आप डॉक्टर साहिबा को मत बताइएगा वरना मेरा मेजर ऑपरेशन कर देंगे। क्यों ऑपरेशन? हाँ जी गायनी है ना। ओ अच्छा, तशरीफ रखें। आप बैठे ना। हाँ क्या पीजिएगा, चाय कॉफी या ठंडा? ये खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा तो नहीं? बात के तूफान से बेहतर है कि पहले कुछ मामलात तय कर लिए जाएं। किन मामलात की बात कर रही हैं? पहले हम हक महर की बात कर लें। वो तो वही होगा जो शरई होगा। वो तो लड़के की हैसियत देखकर तय करने का हुक्म है, और आपके बेटे की हैसियत सबके सामने है। नहीं तारा, जितना कहेगी मैं लिखकर देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ लिखकर नहीं देना, मौके पर अदा करना होगा। मामा ये मेरा और सारिम का आपस का मामला है। बेटा आप खामोश रहे, तुम्हारी माँ जो बात कर रही है उसको सुनो। अच्छा क्या क्या डिमांड है आपकी डॉक्टर राजिया? 5 लाख। ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरी भी एक ख्वाहिश है। हाँ बोलो बेटा। मैं चाहती हूँ एक ही फंक्शन हो, अब उसे वलीमे का नाम दें या बारात का। है? क्या क्या मतलब, यानी कि हम कोई फंक्शन ही ना करें? नहीं, उस फंक्शन के पैसे आप थैलेसीमिया सेंटर है हमारे हॉस्पिटल में, उसमें डोनेट कर दें जहां पर लेटेस्ट मशीन की जरूरत है। बेटा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी सोच है तुम्हारी तारा। और अब एक आखिरी बात, क्या ये एक फंक्शन जो हो रहा है शादी का वो भी कैंसिल कराओगे? जाफर बी सीरियस। सीरियस था जब ही तो शादी की थी तुमसे, लूली लंगड़ी सही फिर भी निभा तो रहा हूं। आप बताइए प्लीज। निकाहनामे के फॉर्म में एक हक मेरी बेटी का भी होगा। कौन सा हक? तलाक का हक। मामा जो रिश्ता अभी बना ही नहीं है हम उसे तोड़ने की बात कर रही हैं। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, मैंने ये अजाब भुगता है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। आप क्यों खड़े हो गए? शायद इसी अजाब का जिक्र कर रही हैं। ये सारे अजाब तुमने अपनी मर्जी से भुगते हैं। अगर तुम चाहती तो पहले खुला ले सकती थी।
लगता है बुरा मान गए। इन्हें छोड़िए, आप बताइए क्या कहते हैं। डॉक्टर साहबा, तलाक का हक हो या खुला हो, बात तो होगी है, बाकी आप हमारे ज्यादा सियाने से पूछ लें। मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर अलग होना होता है तो लड़का फैसला करे या लड़की, क्या फर्क पड़ता है। पापा को देख रहा। रिसेप्शन के फंक्शन पर भी कुछ तहफ्फुज़ात हैं तो बता दें अभी। वो मेरी तरफ से होगा, क्योंकि नैनतारा वलीमे और जहेज के पैसे ऑलरेडी डोनेट कर चुकी है हॉस्पिटल को। माशाल्लाह हमसे ज्यादा समझदार तो ये यंग जनरेशन है, सारे मामलात खुद ही तय कर लिए। दैट्स ग्रेट। जहेज चाहिए, आप बताइए। हरगिज़ नहीं, इसकी माँ गुल्लो को भी मैं बगैर जहेज के ही ब्याह के लाया था, और मुझे अपने बेटे के जोर बाजू पर भी पूरा यकीन है। अच्छी बात है। रजिया चाय ले आओ। ये अपने आप को क्यों आवाज लगा रही? मुलाजमा को बुला रही है, वो थोड़ा फर्क है, डॉक्टर राजिया मुलाजमा रजिया। क्या हुआ, काम है अंकल? चले गए हैं शायद, मामा ने ठीक नहीं किया उनके साथ। तो कॉल करके बुला लो ना उन्हें। कब से कॉल कर रही हूँ, अटेंड ही नहीं कर रहे। ओ अच्छा, तुम टेंशन मत लो, अब ये तो मम्मा का स्टाइल है भाई। तो बदलना चाहिए ना उन्हें, पापा इतनी मोहब्बत करते हैं उनसे। हाँ लेकिन तारा, औरत जब मर्द की मोहब्बत को उसकी कमजोरी समझ कर एक्सप्लॉइट करने लगे ना, तो फिर रिश्ता मर्द के जब्त की दीवार पे ही कायम रह सकता है। और मुझे डर है कि अंकल के जब्त की दीवार जिस दिन टूट गई ना, रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम क्यों मानते हो मामा की हर बात? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि गलत बातें भी मानी जाएं। मोहब्बत की थ्योरी में कुछ भी गलत नहीं होता। महबूब का गलत जब गलत ना लगे ना, बस वही मोहब्बत होती है। मुझे तो ये बातें ना बहुत बेवकूफाना लगती हैं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है फजूल हरकतें करने की, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मतलब मोहब्बत सिर्फ तुम नहीं करते, मुझ पर भी कुछ कर्ज वाजिब है इस मोहब्बत का। अरे जानू, तुम्हें तो 100 खून माफ है। अच्छा चलो ना अंदर, वो मम्मा अपसेट हो जाएंगी यार, चलो। वो अपसेट होती नहीं है, सिर्फ करना जानती है। अब क्या करें, ये उनका सिग्नेचर स्टाइल है ना। अच्छा सिग्नेचर स्टाइल के बच्चे। अरे ये पिट सियापा ही करना था, तो गई क्यों थी तुम वहां पर? मुझे लगा मैं 2-4 वीडियोस बना दूंगी, लेकिन वहां जाकर तो मेरा दिल ही खराब हो गया। इतनी छोटी सी बात पे थोड़ी दिल खराब करते हैं। छोटी सी बात? ये कोई छोटी सी बात है? एक बहू का ब्राइडल शावर हो रहा है, बैचलर पार्टी हो रही है, और दूसरों का रिसेप्शन तो कैंसिल कर दिया आप लोगों ने। जो करके मेरे बाप ने हंगामा नहीं मचाया, बता रही हूं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है, एक नेक और सुलझी हुई माँ के हाथों ब्रॉट अप हुआ है तुम्हारा। लग रहा है। अरे मैं मानती हूँ आपकी बड़ी बहू डॉक्टर है, लेकिन मेरी बेटी भी सुपरस्टार है, इसके फॉलोवर हाशु से ज्यादा है। हाशु तुमने बताया नहीं इनको? बताया था आंटी, बताया था ना अम्मा। और भाभी क्या बताएंगी, इनका तो अपना बेबी शावर ड्यू है। बेबी शावर मतलब? नहीं नहीं कोई मतलब नहीं, पता नहीं क्या कह रही है। अरे भाभी अब क्या शर्माना, अब तो हो गया ना। हाशु अपनी बेबी को बताओ ना, तुम्हारे घर भी तो बेबी आ रहा है। ओह माय गॉड, नया बहन भाई, ये तो सोशल मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। रुको मैं स्टोरी लगाती हूँ। नहीं 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 रूमी, रहने देते हैं, इसे सारी स्टोरी भी बताते बताते हैं। ये देखो देखो देखो। अरे बहन तुमने तो बहुत बड़ा चक्का मारा इस उम्र में। अरे ये चौके छक्के इंसान के अपने हाथ में थोड़ी होते हैं। हैरत है, आप जैसे समझदार खातून को भी मुझे ये बात समझानी पड़ रही है। भाभी भाभी कहाँ है आपके शहदाद सलीम और बाबू भैया? अरे छोड़ो बाबू भैया को, कंट्रोल करो अपनी इस नाज की परवाज को, बहुत बातें उगलने लगी है। जानू टिक्की वाली बात तो नहीं बता दी? नहीं खुशखबरी सुना दी है। बेबी हमारे यहाँ कुछ हो रहा है और तुमने मुझे ही नहीं बताया। डैडी मुझे आइसक्रीम खानी है। इस तूफान के होते हुए कुछ कर सकते हैं हम? अरे मुझे भी लगता है फ्री खाते का केस है, सोचा होगा डॉक्टर बहू आ रही है, लगे हाथों फायदा उठा ली। अरे डरे उस वक्त से जब टिकटॉकर बहू आई है और उससे फायदा उठा के अपना नया अकाउंट बनाएंगे, मिलियंस में फॉलोअर होंगे। क्यों भाई चलो आइसक्रीम खाने चले। मतीन मैं भी चलूं? आ जानू आ जाओ। आइसक्रीम? आंखों में क्या
एक्सरे मशीन फिट करवा ली है? जी, क्योंकि आपने घर को ऑपरेशन थिएटर बना रखा है। जो सामने आता है आप उसका ऑपरेशन शुरू कर देती हैं। किसका ऑपरेशन किया है मैंने? बहुत ज्यादा किया आपने पापा के साथ आज। और वो जो हीरो बने पांव पटकते हुए चले गए, ये भी नहीं सोचा कि बेटी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे? तो आप सोच लेती अपनी मिसालें देते हुए। एंड बाय द वे, ऐसा कौन सा बड़ा अजाब झेला है आपने? तन्हाई का अजाब झेला है मैंने शौहर के होते हुए। ये भी आपका अपना ही डिसीजन था। पापा कई बार आए थे आपको मनाने के लिए, लेकिन आपने ये घर छोड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आप पापा के छोटे से फ्लैट में रहना नहीं चाहती थी। तो वो छोड़ देते घर, हमेशा औरत ही क्यों झुके? मर्द हो या औरत, वहीं झुकते हैं जहां उन्हें मोहब्बत होती है। एंड सॉरी टू से, आपको तो कभी किससे मोहब्बत रही नहीं, ना ही अपने शौहर से और ना ही अपनी औलाद से। पापा फोन नहीं उठा रहे, मैं उनके पास जा रही हूं, मैं ही रहूंगी आज। हेलो हेलो जी, सलीम भाई पूछ रहे हैं कि मीठे में क्या रखना है, गाजर का हलवा या ट्रैफल? कुछ भी रखवा दे, मैं फूडी नहीं हूँ। आपके लिए नहीं, मेहमानों की बात कर रहे हैं वो, चांद तारा के रिसेप्शन के लिए। मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी रखवा दे, मुझे कोई इशू नहीं। अरे हेलो, यार ये गायनी की डॉक्टर हमेशा सख्त क्यों होती है? तुम्हारी सास तुम्हारा घर खराब कराएगी, देख लेना तुम। अल्लाह ना करे अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं? करना तो उन्हें भी नहीं चाहिए था, चार बंदों के आगे अपने हस्बैंड को बेइज्जत इस तरह से। यही तरबियत दी होगी उन्होंने अपनी बच्ची को। बाबू भैया, टेक इट इजी। लड़कियों की माओ की अपनी शादीशुदा बेटियों की जिंदगी में खामखा की इंटरफेरेंस ही मामलात को खराब करती है। तारा बहुत सेंसिबल लड़की है। जहाँ बात माँ की हो ना, वहाँ अच्छी खासी सेंसिबल लड़की की भी सेंसेस काम करना छोड़ देती हैं, देख लेना तुम। जी डॉक्टर मामा। ओके डोंट वरी, आई एम जस्ट कमिंग। आप किधर? अभी तो हाजिरी देकर आ रहे हैं तुम्हारी सास के पास से। जी वो मामा कह रही हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, मेडिसिन ला दो। तुम्हारी मां मर चुकी है। अरे बाबू भैया, जाने दे, अकेली होंगी वो इस वक्त। जाओ बचाओ, जाओ चांद जाओ। देख के बेटा, तास ने बुलाया है, बेटी ने नहीं। जी सुनो सुनो चांद, कहीं से ढोलक ही ला दो। ऐसी रूखी सुखी शादी से तो अच्छा था कि तुम लड़की को भगा कर ले आते, कम से कम चार पांच दिन पंचायतें होती, घर में रौनक मेला लगा रहता। अस्तगफुरुल्लाह चाची, आप क्या बातें कर रही हैं, खुदा का खौफ करें। हाँ हाँ, सभी हम कुछ करें ना, तुम्हें कुछ नहीं करना सिवाय अपने सास के पीछे दुम हिलाने। जाओ जाओ, मजे करो भैया। बेटा, तुम्हें इस तरह अपनी माँ को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पापा, जब से मैं पैदा हुई हूँ आपको यही बातें कहते हुए सुना है, मामा का ख्याल रखो, उनकी बात मानो, उनके साथ रहो। अरे मेरी बच्ची, तुम उनका ख्याल नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? ज़बान की कड़वी जरूर है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। पापा, जब आप उनके लिए इतना अच्छा सोचते हैं तो वो आपके लिए इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? मोटी अकल है तारा के बाप की, इस बात को अना का मसला बना दिया कि मैं उसकी माँ को जिंदगी में छोड़कर गई थी, अब वो कभी मेरे बाप के घर नहीं आएगा। ये को बहुत गलत किया उन्होंने, कम से कम तारा के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते। कॉम्प्रोमाइज ही तो किया है बेटा, तभी तो ये रिश्ता अब तक चल रहा है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा मर्द है जो इतने बरस अकेला रहे। पापा, जब आपने इतना किया है तो आप नानू के यहाँ शिफ्ट भी हो जाते। शायद वो भी हो जाता अगर तुम्हारी माँ प्यार से कहती, लेकिन उसने तो हमेशा मेरे साथ धौस और हुक्मरानी का रिश्ता रखा। अब तुम मानो ना मानो, मेरे खिलाफ भड़का रहा होगा तारा को। देखो बेटा, वो एज ए वाइफ अच्छी हो या ना हो, लेकिन वो माँ बहुत अच्छी, इसलिए उठो और घर चलो, कम ऑन। क्या पापा, आप कभी मुझे अपने पास नहीं रहने देते। देखो, अगर तुम अपनी माँ से लड़के आओगी ना तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं रहने दूँ। चलो उठो, वो परेशान हो रही होगी। ठीक है, तो फिर आप भी चलेंगे मेरे साथ। पापा, मेरी ख्वाहिश है कि चंद दिन हम फैमिली की तरह गुजारें, मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है ये। तारा,
पापा सिर्फ 5 दिन की तो बात है मेरे खाते। लेकिन बेटी तुम्हारी माँ? वो कुछ नहीं कहेंगी, मैं हूं ना आपकी पार्टी में, इतना मजा आएगा उनको चैलेंज करने में। आएगा तो मजा है ना। चलिए फिर, चलो आ जाओ मेरी बेटी। मुझे तो बड़े शोक मिजाज लगते हैं, बड़े बहुत। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम फिर आ गए? हाँ, वो मम्मा को मेडिसिन चाहिए थी बीपी की, तो इसलिए आया था। क्या हुआ भाई तुम्हें? कुछ नहीं। तुम कहाँ गई थी? पापा को लेने के लिए। अब शादी तक ना पापा मेरे साथ रहेंगे इसी घर में। मेरी बात सुन लो, मैं अपने घर में कोई भी हुल्लड़बाजी और शोर शराबा बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, हम तो बहुत खामोशी से बगैर हुल्लड़बाजी और शोर शराबे के रहते हैं, क्यों बेटा? बिल्कुल। वैसे अगर हुल्लड़बाजी या शोर शराबे का सेशन करना हो तो मेरा घर हाजिर है, माँ तो दावत आम है। वाकई? क्या बात है, वही तुम्हारे घर की। सारे बहुत रात हो गई, तुम घर जाओ बेटा। जी। और गाड़ी ध्यान से चलाना। दामाद जी सुन लिया, डॉक्टर साहिबा कह रही है गाड़ी ध्यान से चलाना। जी। और सुनो, सीधे घर जाना। जी घर ही जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या तबीयत ज्यादा खराब है? तो दवा तो ले जाओ। लो। पापा, तंग करें। तुम्हारी माँ के हर वक्त धुएं निकले रहते हैं। अरे किसना ऊपर चढ़ूंगी। आराम से सफीरा भाभी। हाँ हाँ आराम से कर रही हूँ। हाय कितनी मट्टी है, कितने दिन हो गए इसको साफ किए हुए? पता नहीं सफू भाभी, मैंने बोला तो था सफाई का उस दिन बच्चों को, लेकिन आपको तो पता ही है हिलके कोई काम ही नहीं करते। इस दफा तो बहुत मिट्टी आ गई है। हाँ ये बच्चे हैं ना, खिड़कियाँ खोल के रखते हैं सारी। खिड़कियाँ खुलती है ना तो मिट्टी बहुत आती है। हाय ये बात। बिजली देखो इतनी महंगी हो गई है। डॉलर भी तो ऊपर चढ़ गया है। अब डॉलर को तो तुम ही संभालोगी ना। अरे मैं अमेरिकन डॉलर की बात कर रही हूँ, अपने डॉलर की नहीं। वो भी आ जाएगा, उसका दवा भी ठीक हो जाएगा। हाय बस दुआ करें हमारे खानदान को नजर ना लगे बस। मुझे जरा ही दिन। क्या हो रहा है ये? खुदा का खौफ करो। चलो छोड़ो छोड़ो। अरे अपना ख्याल नहीं है तो हमारे आने वाले मेहमान का तो ख्याल कर लो भाई। उतरो। सफाई कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बहुत से लोग हैं, 10,000 लोग हैं इस घर में, कौन करेगा? तुम तो बिल्कुल नहीं करोगी। आ जाए। हाँ करें। मैंने आज तुम्हें मना नहीं किया भाई। भाई मैंने मना किया तो उनको शौक है, अगर सीढ़ी पे चढ़ने का तो मैं क्या कर सकती? क्या, क्या अकल क्या जवाब दे गई थी तुम्हारी? तो आप करें ना फिर। मैं चले चले चले, सफाई सफाई बहुत रहती है उधर, ऊपर बहुत मिट्टी है, चले आ जाओ। बुलाओ ना, पढ़ रहे ना बच्चे, आ जाए। वो देखिए इसके पीछे जो है वो तो बहुत मिट्टी है। गलत टाइम पे आ गया लगता है। कहाँ है, मुझे तो नहीं नजर आ रही। और चढ़े ना। तो तुमने सब सफाई कर ली है? वो इसके पीछे। तुम कर चुकी हो सब? हाँ इसके ऊपर बहुत है। हाँ बस सब साफ है, बस हल्का ठीक है। अच्छा मैं ना कह रही ये ज्यादा सही रहेगा। जिंदगी में कोई काम मुफ्त में नहीं किया। मैं नहीं कर रही है, मजाक हो रहा है। अरे सली पे वो देखे। अरे क्या हो गया? इतना बड़ा जाला, अच्छा लगेगा घर में भाई। पकड़ दो क्या था, हाथ पकड़ लिया तुम लोगों ने? अरे एक सेकंड से वो जाला, वो जाला। कहां है जाला बताओ? वो देखे कितना बुरा लगेगा अगर डॉक्टर राजिया ने देख लिया तो। डॉक्टर राजिया उसका देने से इनकार कर देगी। हां वो देखे बुरा। तारा, तारा बेटा। ये पापा इतनी सारी शॉपिंग कैसे लाए हैं? अरे देखो तो सही, तुम कितना प्यारा ये वाला किसका है?
अच्छा है ना? हाँ। ये देखो कैसा सेट है, है? ये तो बहुत प्यारा है। और ये ओए 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 दिखा 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 ओह माय गॉड मेरी बेटी शहजादी। पापा पसंद आया? बहुत अच्छा है। चाय तो पिला दो। रजिया गुड। हाँ आओ मेरे साथ, आओ इधर आओ। चाय बना? जी मैं बना दूँ। बेटा नए घर में जाओगी ना तो तुम्हें वहां खुद को अपने आप को एडजस्ट करना होगा। वो लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। पापा चेंज अगर पॉजिटिव हो तब भी नहीं। बेटा बात पॉजिटिव या नेगेटिव की नहीं है। देखो अपनी बात मनवाने के लिए पहले सामने वाले की बात मानना पड़ती है, फिर अपनी जगह बनती है। चांद और मैं तारा।